बनना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कौन डिसाइड करता है, इसे डिसाइड कैसे किया जाता है और आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या है? अगर आप भी इन इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारा आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज आपको कई ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसके बारे में आप और मैं आज से पहले नहीं जानते थे। जैसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो सरकार डिसाइड करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार नहीं बल्कि पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करती हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। ये तमाम जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ये अपना रेट जो है वो पेट्रोल पंप्स को बताती हैं, उसके बाद उस रेट में टैक्स और उनकी कमीशन जोड़कर जो सम टोटल बनता है वही डिसाइड करता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिरकार क्या होगी। तो जिस कीमत पर हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% बेस प्राइस यानी आधार मूल्य होता है, और इस बेस प्राइस में भी कच्चे तेल की कीमत, प्रोसेसिंग चार्ज और कच्चे तेल को शोधित करने वाली रिफाइनरियों का चार्ज शामिल होता है। अमूमन रिफाइनिंग चार्ज प्रति लीटर 4 रुपए आरोपित किया जाता है। इसके अलावा करीब 35% एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्र सरकार का हिस्सा, करीब 15% सेल्स टैक्स और 2% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कच्चे तेल को अलग अलग पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि में तय करने के लिए लिया जाता है। वही सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चूंकि अब तक ईंधन को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से इस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और वैट भी। अब अगला सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आना लाजमी है, क्योंकि अगला सवाल ये है कि अगर सब कुछ डिसाइडेड है तो हर राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग क्यों होती है? तो भाई, ये तो आपको पता ही है कि बिक्री कर हर राज्य में अलग है। दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, कहीं और आप जाएंगे, किसी और राज्य में जाएंगे तो वहाँ अलग होगा। तो यही बिक्री कर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से राज्य में कीमत कितनी होगी। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई में जो तेल है वो दिल्ली की तुलना में महंगा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली में बिक्री कर जो है वो कम है और मुंबई में ज्यादा है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुंबई में ज्यादा है और दिल्ली में कम है। तो यही फैक्टर है सबसे बड़ा जो हर राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ऊपर नीचे करता है। आपको बता दें, विभिन्न स्टेट में ये बिक्री कर या वैट 17% से लेकर 37% तक है। टैक्स की बात करें तो औसतन सरकार डीजल पर 66% से अधिक और पेट्रोल पर 100% से अधिक टैक्स लगाती है। साधारण शब्दों में ईंधन की कीमत के तय होने की प्रोसेस की बात करें तो आधार कीमत पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क आरोपित करती है, इसके बाद कंपनी डीलर को तेल बेच देती है और डीलर तेल की कीमत पर अपना कमीशन और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर और वैट जोड़ता है और फिर इस पर पर्यावरण उपकर आदि जोड़कर पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत का निर्धारण किया जाता है। और इस तरह पेट्रोल और डीजल हमारी गाड़ियों में आते आते असल कीमत से दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई तो आप लाइक का बटन तो दबाइएगा ही, साथ ही हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है कोई भी नए वीडियो का वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर से आऊंगी कुछ और नई जानकारी के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।